मसूरी के माल रोड स्थित एक होटल सभागार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पल्लव सेन गुप्ता ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में उन्होंने साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कहा है कि सभी विपक्षी दलों को एक करने का प्रयास किया जाएगा और लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए CPI लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में अभी सभी दल मिलकर भाजपा को सत्ता से बेदखल करेंगे। वहीं भाकपा के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य समर भंडारी ने कहा कि उत्तराखंड में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। We believe that now everything is being challenged, mainly our constitution, our secular democratic society का जो fabric है, ये सब कुछ challenge हो गया है। इसके खिलाफ में political level में और उसका जो economic issue है, सब बेच देना अदानी और अंबानी को, इसका खिलाफ में लड़ाई शुरू करना पड़ेगा। देखिए, आज हमारी बैठक जो इस स्टेट की चिंताएं हैं हमारी, प्रमुख रूप से जो यहाँ व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, नौकरियों में जिस तरीके से पैसा लेकर जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके साथ छल किया गया और उसमें भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हैं, ये सामने आ रहा है। दूसरा, अंकिता भंडारी की हत्या जैसी घटनाएं हो रही जो शर्मसार करती हैं पूरे प्रदेश की संस्कृति को।